तमोगुण और सतोगुण हम सभी में तमोगुण और सतोगुण निहित होते हैं। प्रत्यक्ष तो केवल वही होता है जो हम बाहर लाना चाहते हैं। लालच और ईर्ष्या हमें तमोगुण की ओर अग्रसर करते हैं। जब मन की प्रवृत्तियां यदा कदा आवृत्त होकर दूसरों के शोषण और दमन में लग जाएं, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से तमोगुण से ग्रसित हो जाता है, फिर उसका स्वयं पर भी नियंत्रण नहीं रहता है। वह जो भी करता है उसे लगता है कि वह अपने उत्थान के लिए कर रहा है। किसी का पतन किसी के उत्थान का कारण नहीं बन सकता। उत्थान तो व्यक्तिगत होता है, आंतरिक होता है। वहीं दूसरी ओर शांत मन और अहंकार रहित स्वभाव हमें सतोगुण की ओर प्रेरित करते हैं। निश्चल और निस्वार्थ भाव हमें प्रभु के करीब महसूस कराता है। जब प्रत्येक व्यक्ति आंतरिक उत्थान के लिए अग्रसर हो, तभी समाज में परिवर्तन वास्तविक रूप में संभव है। सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं बैठा हूं ना? जब सर्वशक्तिमान बैठा है तो चिंता किस बात की? बच्चे मेरे बने हो तो कभी मायूस या दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा बैठा है ना,